हेलो फ्रेंड्स, मैं शहजाद जॉर्ज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम घर में दही बनाना सीखेंगे कि घर में रह के हम दही कैसे बना सकते हैं। तो दही बनाने के लिए हमें ताज़ा फ्रेश फुल क्रीम दूध चाहिए होता है। तो 1.5 लीटर के करीब मैंने दूध लिया है और इस दूध को किसी स्टेनर के साथ या मलमल के कपड़े के साथ आप स्टेन कर सकते हैं। स्टेन करने के बाद इसे 3 से 4 बॉयल आने दें। जब दूध अच्छे से बॉयल हो जाए तो दूध को थोड़ा सा ठंडा कर लें, और ठंडा हमने इतना करना है कि आपका दूध जो है वो गुनगुना हो जाए। कि हम ये सिंपल लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि अगर आप दूध के अंदर उंगली रखें तो आपकी उंगली जो है वो जलनी नहीं चाहिए। दूध हमारा जाग लगाने के लिए तैयार है। देखें, जब भी आप दूध को डालेंगे तो इस तरह फेंट के डालें। आपको करीब से दिखा रहा हूँ कि बर्तन में किस तरह जाग बन रही है। जब दुकानों पे जाग लगाई जाती है, दूध को बहुत ज़्यादा फेंटा जाता है ताकि दूध की जो जाग है वो ऊपर तक आ जाए। दूध में चिकनाहट होती है, वो ऊपर की तरफ आ जाए। तो अब ये देखें कि जाग जो है वो ऊपर बन चुकी है। दूध को जाग लगाने के लिए दही की ज़रूरत होती है। ये हमारे पास दही है। अब 2 चम्मच जो है वो दही हम इसमें ऐड करेंगे, और हल्के से जो है वो हम इस दही को मिक्स कर देंगे। दूध की दही बनने के लिए जो टाइम हमें चाहिए होता है वो कोई 7 से 8 घंटे जो है वो चाहिए होता है। अब हम इसको किसी कपड़े के साथ या किसी बर्तन के साथ ढक देंगे, और सुबह जो है वो हमारी दही तैयार हो जाएगी। हमारी दही जो है ना वो तैयार है। तो अब आपको खोल के दिखाते हैं। ये देखें कि सबसे पहले इसमें ना बहुत अच्छी दही जो है ना वो जम गई है। तो कोई 8 से 10 घंटे हमने इसे रखा है। ये देखें, घर की दही का ना अपना टेस्ट होता है। देखें कि दही जो है वो अच्छे से जमी हुई है। ये देखो, तो बाजार से दही लाने से बेहतर है कि आप घर में दही बनाएं। घर की दही जो है वो बहुत ही खालस और साफ सुथरी होती है। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो आपको मिलती रहें।